50 ग्राम। अब हम इसे ढूंढते हैं ड्रिफ्टर में, आप इसके लगाने के लिए मिला इसको बोलते हैं। और फिर मैं चलता हूँ आपको रियर व्यू में। रियर व्यू में डब्बा और इसका एक फॉर्म और एक आपको मिल जाता है वारंटी। अब इसको देख सकते हैं, इसमें कूलिंग के हिसाब से मुझे लग रहा है कम्फर्टेबल ही होगा। ऑल राइट एवरी वन, माइनस स्मार्टी, आप देखो सी के ब्लॉक। तो आज आपका भाई ले आया है प्यारा सा हेलमेट ड्रिफ्टर D3। इसकी कलर, प्राइस और न्यू फीचर्स की बात करेंगे। और इसमें एक आपको स्पॉयलर आता है, बहुत ही डिफरेंट टाइप और बहुत ही अमेजिंग आता है, डबल वाइजर का हेलमेट है। आइए इसकी प्राइस की बात करते हैं। सबसे नंबर वन पर प्राइस आपको गाइस मिल जाएगा 2550 रुपये। क्वालिटी बेस में नंबर वन है, 580 mm साइज आता है, 2550 mm को दिख गया है। मैट फिनिशिंग के साथ आएगा, ब्लैक एंड ऑरेंज का कॉम्बो। तो आइए इसका अनबॉक्सिंग। तो ऑलराइट गाइस, तो अभी अब इसका अनबॉक्सिंग करके अपन देखते हैं कि क्या इसमें निकलता है। ओ माय गॉड, सबसे पहले हमने निकाल लिया एक स्पॉइलर, साइड करते हैं इसको। और उसमें वही नॉर्मल सी एक डब्बा और उसमें एक फॉर्म और एक आपको मिल जाता है वारंटी का कार्ड। वारंटी कार्ड नहीं होता, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए होता है ताकि आप कैसे पहनना है कैसे नहीं पहनना। तो ऑलरेडी गाइस, तो अपन इसको अभी अनबॉक्सिंग कर लिया। और अनबॉक्सिंग करके हम सबसे फर्स्ट नंबर वन पे देखते हैं ड्रिफ्टर D3 में क्या डिफरेंट आता है वो 100 के मुकाबले या फिर आप शिफ्टर के मुकाबले देखोगे। इसमें आपको नंबर वन पर मुझे मिलता है एक डबल वाइजर, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि नाइट में आपको चलने से पहले आपको एक सन प्रोटेक्शन से बचने के लिए डबल वाइजर का उपयोग करना पड़ता है। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करना। और फिर मैं चलता हूँ आपको रियर व्यू में। रियर व्यू में आपको वही प्यारा सा दो जाली मिलता है जो आपको इसके लगाने के लिए मिला है, इसको बोलते हैं स्पॉइलर। गाइस बहुत सारा कमेंट आता है कि स्पॉइलर क्या होता है, नहीं होता है, क्या काम आता है। ये थोड़ा लुक को बढ़ा करने के लिए और हेलमेट को बल्क करने के लिए बनाया जाता है। हालांकि ये चिपकाने के लिए भी दिया हुआ था, क्लिप सिस्टम कुछ नहीं है, इसको आप थोड़ा सा डबल टेप के माध्यम से चिपका सकते हैं। वो मैं वीडियो के एंड में आपको करके दिखाऊंगा। आइए हम बात करते हैं आगे। फ्रंट लेवल पर बात करने वाले हैं। फ्रंट लेवल पर आपको मिल जाता है एक प्यारा सा आपको एयर वेंटिलेटर, तो काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है। ये नॉर्मल सा है आखिर, हालांकि इसमें पानी वगैरह बिल्कुल नहीं जाएगा, तो बेफिक्र रहे। आगे की बात करें, आगे आपको माउंट के पास दिया है एक प्यारा सा स्लेडर। तो ये स्लेडर भी मुझे अच्छा लग रहा है, हालांकि ये थोड़ा सा डिफरेंट किया है 100 के मुकाबले, तो इसके लिए मैं उसे एक रेटिंग देता हूँ। फिर नीचे की बात करने वाले हैं गाइस हम पैडिंग की। पैडिंग आपको ये साइज़ के हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पैडिंग में आपको एक्स्ट्रा जाली वगैरह दिया हुआ है। अब इसको देख सकते हैं, इसमें कूलिंग के हिसाब से मुझे लग रहा है कम्फर्टेबल ही होगा। आइए इसको मैं पहन के देखते हैं, फिर कैसा लगता है मेरे को कमेंट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको पहन के दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको साइड में ये दोनों स्किप को, ये जो आपको मिलता है दोनों तरफ से, इसको उठा लेना है और सीधा आपको सर में डालना है। ये बिल्कुल अपने डाल लिए गाइस, आपको आवाज़ मेरा क्लियर आ ही रहा होगा। अब मैं आपको साइड करके दिखाता हूँ। इसका साइड लेवल हो गया ये, और ये बैक लेवल हो गया। और मैं फ्रंट में आपको ग्लास गिला के दिखाता हूँ, देखो कितना ऑसम लगेगा आपको। और ये जब देख सकते हैं इसमें कितना ऑसम लुक आ रहा है। अब देखिए मैं इसको दोनों गिरा लेता हूँ। गाइज हेलमेट लगाने से उससे पहले आपको याद रखना कि अगर हेलमेट आप लगा रहे हो तो साथ साथ आपको इस बेल्ट को लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ऑल राइट गाइज, तो अभी इसको आपको मैं बता दिया हूँ कि इसको पहनना कैसे, और आप भूलना बिल्कुल भी मत गाइज। अगर इसको आप नहीं लगाते हो तो समझो आप हेलमेट नहीं के बराबर लगते, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले आपको ये बेल्ट ही बचाता है, क्योंकि हेलमेट बाहर निकल जाता है। काफ़ी सारे एक्सीडेंट में आप देखे होंगे कि बेल्ट को तोड़ के आदमी निकल जाता है। बेल्ट हालांकि इसमें बहुत ही बिल्ड क्वालिटी का बहुत बेस्ट है, तो बेल्ट लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए हम इसकी वेट की बात करते हैं, और ये डॉट सेटिस्फाई है या नहीं ये भी देखते हैं। तो देखते हैं आप साई गाइज, आप देख सकते हो इसमें आपको SI मार्का का 4151 का एक मिल जाता है टू व्हीलर्स हेलमेट, ठीक है। अब इसमें आपको वेट देखा जाएगा तो 1450 ग्राम। अब हम इसे ढूंढते हैं ड्रिफ्टर में आपको डॉट सेटिस्फाई मिलता है या नहीं। तो ये आपको बिल्कुल आप देख सकते हैं गाइज, ड्रिफ्टर डॉट सेटिस्फाई है। तो एकदम ध्यान से आपको जब भी लेना है तो आप ये डॉट सेटिस्फाई हेलमेट बिल्कुल ले, क्योंकि ये SI मार्का से भी ज़्यादा मजबूत होता है। मैक्स और आपको इस वीडियो में काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी, प्राइस, वेट एंड बहुत कुछ। तो कैसा लगा वीडियो मेरा कमेंट करना, और इसी तरह का वीडियो देखना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें, दोस्तों को बताएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।